गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी सहायक बुक पाल राम कथा से अध्याय 1 से 5 तक वो पढ़ेंगे। अध्याय 1 से 5 तक अवधपुरी में राम से चित्रकूट में भरत तक। आपकी बाल राम कथा यहाँ पुस्तक दी गई है जो सहायक बुक है आपकी। सबसे पहले जो अध्याय पढ़ेंगे वो है अवधपुरी में राम। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, राम लक्ष्मण सीता इनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि भगवान के रूप में किस तरीके से उनका जीवन रहा है, और रामायण के बारे में भी हम सब जानते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अयोध्या एक संपन्न नगरी थी, वहाँ के राजा दशरथ थे जिनके शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। यानी कि जो अयोध्या नगरी थी वहाँ पर राजा दशरथ राज्य करते थे, और वहाँ जो राजा दशरथ के राज्य में जनता जो थी वो बहुत सुखी थी। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा तथा केकई। तीनों रानियाँ निसंतान थी, यानी कोई उनके पुत्र पुत्री कुछ भी नहीं थे। राजा ने अपनी ये व्यथा मुनि वशिष्ठ को सुनाई, और ये जो अपनी दुख था, ये जो व्यथा थी उनकी, वो उन्होंने मुनि वशिष्ठ को बताई। मुनि ने राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी, और उन्होंने कहा कि आपको ये यज्ञ करवाना है। इस प्रकार ऋषि श्रृंग की देखरेख में यज्ञ संपन्न हुआ, और यज्ञ किया गया और संपन्न हो गया वो यज्ञ। इस प्रकार इस यज्ञ के प्रभाव से तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया, और इस यज्ञ के प्रभाव से तीनों ही रानियों ने पुत्रों को जन्म दे दिया। कौशल्या ने राम को, सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया, और केकई ने पुत्र भरत को जन्म दिया। तीनों ही रानियों को पुत्र प्राप्त हो गए। चारों राजकुमार गुणवान, बुद्धिमान तथा कुशल थे। अब चारों ही राजकुमार गुणी भी थे, बुद्धिमान भी थे, और हर कार्य को करने में कुशल थे। अपने गुरुजनों से उन्होंने शीघ्र ही सारी विद्याएं सीख ली, और अपने गुरुओं से उन्होंने जो भी उन्होंने विद्याएं सिखाई बहुत ही जल्दी जल्दी उन्हें सीख ली। राम सबसे बड़े थे, अपने गुणों के कारण वे राजा दशरथ को सबसे अधिक प्रिय थे। क्योंकि बड़े भी थे राम, और गुण भी उनमें वो थे जो राजा दशरथ को सबसे प्रिय थे, इसलिए राजा दशरथ राजा राम से बहुत प्रेम करते थे। राजकुमार अब बड़े होने लगे, धीरे धीरे सभी राजकुमार बड़े होने लगे। एक दिन दरबार में मुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ। दशरथ ने मुनि को वचन दिया कि जो वे मांगेंगे उन्हें अवश्य मिलेगा। अब राजा दशरथ ने विश्वामित्र को वचन दिया कि आप जो भी मांगेंगे आपको वो सब दिया जाएगा। मुनि ने अपने यज्ञ में आने वाली राक्षस बाधा के बारे में बताया, और मुनि ने बताया कि किस तरीके से वे यज्ञ करते हैं और राक्षस उसमें विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं, उसके बारे में बताया। तथा अपने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए राम को वन ले जाने की बात कही, और कहा कि मैं अपना यज्ञ पूरा करने के लिए राम को अपने साथ वन में ले जाना चाहता हूँ। दशरथ बहुत दुखी हुए, लेकिन दशरथ ये सुनकर बहुत दुखी हुए। वे सोच रहे थे कि इतनी कम उम्र में राम किस तरीके से उन राक्षसों से युद्ध कर पाएंगे, किस तरीके से उनसे मुकाबला कर पाएंगे। दशरथ को राम की चिंता थी, दुखी थे, परंतु मुनि वशिष्ठ के समझाने पर वे मान गए। दशरथ को राम की चिंता थी, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को भी राम के साथ भेज दिया। अपने पुत्र की चिंता के कारण राम के साथ लक्ष्मण को भी भेज दिया। दोनों पुत्र पिता की आज्ञा लेकर मुनि के साथ निकल पड़े। अब दूसरा अध्याय है हमारा जंगल और जनकपुर। इस
अध्याय में ताड़का वन का वर्णन है। ताड़का वन का वर्णन दिया गया है जहाँ पर राम के बाण से ताड़का की मृत्यु हो जाती है और राम ने बाण से ताड़का को मार दिया है। यहाँ पर ताड़का की मृत्यु के बाद उसका भय जंगल से हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और जैसे ही ताड़का की मृत्यु होती है उस जंगल से उसका भय उसका डर खत्म हो जाता है। ऋषि विश्वामित्र का आगमन आश्रम में हो रहा था। अब वहाँ जो आश्रम थे वहाँ ऋषि विश्वामित्र वहाँ पर चले गए। आश्रम में कुछ अनुष्ठान की तैयारियां हो रही थी यानी कि यज्ञ किए जा रहे थे। ऋषि मुनि ने आश्रम की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण पर सौंप दी और ऋषि ने वहाँ की जितनी भी जिम्मेदारी थी वो राम लक्ष्मण को सौंप दी। वहाँ की रक्षा का पूरा दायित्व राम और लक्ष्मण को दे दिया। अनुष्ठान 5 दिनों का था। वो जो अनुष्ठान हो रहा था वह 5 दिनों तक चलने वाला था। इन 5 दिनों में राम लक्ष्मण सोते नहीं थे, दिन रात पहरा देते थे, वहाँ रक्षा करते थे, हमेशा रक्षा करते थे एवं तीर धनुष के साथ तैनात रहते थे। तीर और धनुष लेकर चारों ओर घूमते रहते थे, पहरा देते थे। यज्ञ के आखिरी दिन आश्रम में तहलका मच गया। अब जब यज्ञ का आखिरी दिन था उस समय बहुत बड़ा हंगामा हुआ, तहलका मच गया। मारिच नामक एक राक्षस राम से बदला लेने आया था अपनी माँ ताड़का की मौत का। यानी मारिच किसका पुत्र था? ताड़का का पुत्र था। वो राम से बदला लेने के लिए आया था। मारिच राम के बाण से घायल हो गया और राम ने उस पे वाण चलाया और वह घायल हो गया और उसके भाई सुबाहु की मौत हो गई। यानी मारिच और सुबाहु दोनों भाई थे और ताड़का के पुत्र थे और यहाँ पर मारिच तो घायल हो गया लेकिन सुबाहु की वहीं पे मृत्यु हो गई। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ और जिस अनुष्ठान के लिए वे रक्षा कर रहे थे वो अनुष्ठान पूर्ण हुआ, संपन्न हुआ। अनुष्ठान संपन्न होने पर महर्षि विश्वामित्र राजकुमारों को मिथिला के महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर में अद्भुत शिव धनुष दिखाने ले गए। अब महर्षि विश्वामित्र को निमंत्रण आया था कि वे मिथिला जाने के लिए और वहाँ पर वे राम और लक्ष्मण को भी अपने साथ सीता के स्वयंवर के लिए ले गए जहाँ पर एक अद्भुत धनुष रखा हुआ था। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र का स्वागत किया और दोनों राजकुमारों का परिचय पूछा यानी कि उन दोनों राजकुमारों के बारे में जानकारी ली। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र को बताया कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा यानी वो डोर, प्रत्यंचा का मतलब शिव की धनुष की जो डोर होती है उसे चढ़ा देगा, उसके साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करूंगा और उसके साथ ही मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा खींची और धनुष बीच में से टूट गया। इससे पहले कई राजाओं ने प्रयास किए पर कोई भी सफल नहीं हो पाया और विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने उस धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा खींची तो बीच में से वे धनुष टूट गया। ये देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र की अनुमति पाकर राजा जनक ने राजा दशरथ को संदेश भेजा। अब महर्षि से उन्होंने अनुमति ली और विवाह के लिए राजा जनक ने ये संदेश राजा दशरथ को भेजा। राजा दशरथ बारात लेके मिथिला पहुंच गए और राजा दशरथ खुशी से वो बारात लेकर वहां से मिथिला पहुंच गए। विवाह से पूर्व राजा जनक ने राजा दशरथ से अनुरोध किया कि वे अपनी छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से तथा अपने छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियां मांडवी वेशुत कीर्ति का विवाह
भरत और शत्रुघ्न के साथ करना चाहते हैं। और राजा जनक ने बोला कि मैं अपनी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और अपने भाई की पुत्री का विवाह मांडवी व श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न से करना चाहता हूँ, जिसे राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया, मान लिया। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। अब बारात कहाँ पहुँची? वापस अयोध्या पहुँची, जहाँ पर रानियों ने उनकी आरती उतारी। सभी अयोध्या वासियों ने फूल बरसाए और शंख ध्वनि से गलियाँ गूंज उठी, चारों ओर शंख ध्वनियाँ बजने लगी। बारात का स्वागत हुआ, बहुएं वहाँ पहुँच गईं। इस प्रकार से अयोध्या में क्या हो गया? खुशियाँ मनाने लगे, खुशियाँ आ गई। राम और सीता का स्वयंवर विवाह। अब हम पढ़ेंगे अध्याय दो वरदान, जिसमें हम वरदान के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कैकेयी ने दो वरदान मांगे थे। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा थी, राम का राज्याभिषेक वे उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। अब जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने राम को जितना भी राजकाज का काम था वो सौंप दिया। राम ज्येष्ठ पुत्र होने के साथ साथ गुणी तथा प्रजा के हित चिंतक थे। ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र होने के साथ साथ बहुत ही गुणी थे और प्रजा के बारे में अच्छा सोचने वाले, उनका हित सोचने वाले थे। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, और राजा दशरथ जो थे वो वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, और उन्होंने मुनि वशिष्ठ से विचार किया, चर्चा की, और उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, अगर आप सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। कि मैंने बहुत लंबे समय से राजकाज का काम किया है, अगर आप लोग सभी सहमत हो तो इन्हें राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है, अगर आप कुछ और बोलना चाहते हैं या भिन्न राय देना चाहते हैं तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ, मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने तुमिल ध्वनि से यानी ताली बजाकर राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राज्याभिषेक की तैयारी दासी मंथरा ने भी देखी। अब कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, उसने राज्याभिषेक की तैयारियां भी देखी। दासी मंथरा ने कैकेयी से कहा कि तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। यहाँ बताया गया है मंथरा और रानी कैकेयी को, क्योंकि राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं और उन्होंने जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया है कि अब तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है रानी कैकेयी, क्योंकि राजा दशरथ अब राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं और उन्होंने जानकर भरत को यहाँ से दूर अपने ननिहाल यानी नानी के घर भेज दिया है। कैकेयी ने कहा कि इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं, कि ऐसा कोई बुरा मानने का नहीं है, अच्छा है कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। मंथरा ने कहा कि अगर राम को राज मिल गया तो वह भरत को देश निकाला दे देंगे। अब मंथरा जो अपने बातों से रानी कैकेयी को किस तरीके से समझा रही हैं और वो कह रही हैं कि अगर राम को राज मिल गया तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, देश से निकाल देंगे और दंड भी देंगे, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे राजगद्दी जो है वो भरत को मिल जाए और राम यहाँ से जंगल चले जाएं। उसकी बातों का कैकेयी पर असर पड़ा, धीरे धीरे उसकी बातों का कैकेयी पर असर होने लगा। मंथरा ने कैकेयी को उसके दो वरदान याद दिला दिए और कहा, दशरथ ने कभी तुम्हें देने का वादा किया था। उसने रानी कैकेयी को कहा कि वह भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए
14 वर्षों का वनवास मांगे कि कभी तुम्हें राजा दशरथ ने दो वरदान दिए थे जो तुमने अभी तक नहीं मांगे, ये समय आ गया है कि तुम अपने उन दो वरदान के बारे में वरदान मांग लो और तुम ये करो कि भरत के लिए तो राजगद्दी मांग लो और राम को यहाँ से दूर 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया जाए, ये मांग लो। रानी के कई ये सुनकर कोप भवन में चली गई और उसने इन सब बातों को सुना और वह अपने कोप भवन में चली गई। दशरथ ने जब उन्हें कोप भवन में देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने केकई से उनके दुख का कारण पूछा तो केकई ने पहले उनसे अपना वचन पूरा करने का आश्वासन लिया। अब वह राजा दशरथ को जब ये पता चला कि रानी केकई को भवन में चली गई है तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए और वहाँ चले गए और उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ को भवन में किस लिए आई हो। तब सबसे पहले केकई ने कहा कि पहले आप मुझे आश्वासन दो कि जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे ज़रूर देंगे। दशरथ ने हामी भर दी और हाँ कर दिया। केकई ने उनसे भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और केकई ने उसी समय कहा कि वे राज्याभिषेक किसका करना चाहती हैं, भरत का, और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना चाहती हैं। दशरथ चकित रह गए। केकई ने कहा कि अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर अपनी जान दे दूंगी, कि जो मैंने मांगा है वो वरदान अगर आप नहीं देंगे तो मैं विष पी लूँगी यानी जहर पीकर अपनी जान दे दूंगी और कलंक आपके माथे होगा और ये जो कलंक लगेगा ये आपके सिर पे लगेगा यानी आपके ऊपर लग जाएगा कि आपने मुझे जहर पीने के लिए विवश कर दिया। राजा मूर्छित होकर गिर पड़े, राजा जो हैं बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए और वहीं गिर पड़े। राजा दशरथ ने केकई को बहुत समझाया परंतु वे अपनी बात से टस से मस नहीं हुई यानी अपनी बात से बिल्कुल नहीं हटी और उन्होंने जो जिद ले कर रखी थी, जो जिद थी कि मुझे भरत का राज्याभिषेक करवाना है और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना है, उससे बिल्कुल नहीं हटी और इस तरीके से सारी रात इसी तरीके से बीत गई। अब हम पढ़ेंगे अध्याय राम का वनगमन, इसमें किस तरीके से राम वन को चले गए हैं। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। ये जो कोप भवन में वार्तालाप चल रही थी, बातचीत चल रही थी राजा दशरथ और केकई के बीच में, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। केकई अपनी जिद पर अड़ी थी। सारे नगर में राम के राज्याभिषेक का उत्साह था। यहाँ जो जानकारी हो चुकी थी कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, पूरा नगर उस उत्साह में शामिल हो रखा था। सभी खुशी से उस उत्साह को मना रहे थे। गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत सभी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो घड़ी आएगी जब राम का राज्याभिषेक होगा। महाराज के ना आने पर महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। मंत्री सुमंत्र ने देखा महाराज पलंग पर बीमार अवस्था में पड़े हैं। अब वहाँ पर सुमंत्र पहुँचे और उन्होंने वहाँ देखा कि महाराज जो हैं बहुत ही बीमार अवस्था में कहाँ पलंग पर लेटे हुए हैं। दशरथ ने टूटते स्वर में, बहुत ही अटकते हुए स्वर में राम से मिलने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने कहा कि मुझे राम से एक बार मिला दीजिए। यहाँ वो इच्छा दिखाई गई है। राम के साथ लक्ष्मण भी वहाँ आ गए और जब राम को वहाँ बुलाया गया तो उनके साथ साथ लक्ष्मण भी वहाँ पहुँच गए। राम ने पिता और माता केकई को प्रणाम किया। राजा दशरथ उन्हें देखकर राम कहकर बेहोश हो गए और राजा दशरथ ने जब राम को वहाँ देखा तो राम कहकर वो वहीं पर बेहोश हो गए। होश आने पर कुछ नहीं बोले। राम ने पिता से पूछा, पिताजी मुझसे कोई अपराध हुआ है? केकई बोली, महाराज ने मुझे दो वरदान दिए थे, मैंने कल रात्रि दोनों वर मांगे। कि उन राम ने पूछा क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या अपराध हो गया है, उससे पहले ही दशरथ के बोलने से पहले ही केकई ने बोला कि मैंने
मुझे दो राजा दशरथ ने मुझे दो वरदान दिए थे, वही मैंने उनसे कल रात्रि में मांगे हैं, जिससे ये पीछे हट रहे हैं, यानी कि वो नहीं देना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष के लिए वन में रहो। और वो वरदान बताती हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि राज्याभिषेक जो है वो भरत का हो और तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। राम पिता के वचन को पूरा करने के लिए वन जाने को तैयार हो गए और राम उसी समय वन जाने के लिए तैयार हो गए। केकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए और केकई के महल से बाहर निकलकर सीधे वे अपने माता कौशल्या के पास पहुँचे। उन्होंने माता कौशल्या को केकई के भवन में हुए वार्तालाप के बारे में बताया और माता कौशल्या को जो भी सारी घटना थी उसके बारे में जानकारी दी और अपना निर्णय सुनाया और अपना निर्णय बताया। कौशल्या ने उन्हें अनुचित राजज्ञा ना मानने के लिए कहा कि आप कोई भी अनुचित राजज्ञा नहीं माने, परंतु वे उन्होंने कहा, राम ने कहा, पर राम ने इसे पिता की आज्ञा मानकर माता से वन जाने के लिए आशीर्वाद मांगा और राम ने कहा, नहीं, ये पिता की आज्ञा है और मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ कि मुझे वन जाने की आज्ञा दी जाए। लक्ष्मण राम के इस निर्णय से सहमत ना होकर इस आज्ञा का विरोध करना चाहते थे। वे कहते कि नहीं, इस आज्ञा को ना मानकर आप इसका विरोध कीजिए। राम ने उन्हें समझाया और कौशल्या भवन से राम सीता के पास गए और उन्हें सारी बात बताकर वन जाने के लिए विदा मांगी। लक्ष्मण के विरोध करने पर उन्होंने उन्हें समझाया कि नहीं, ये पिता की आज्ञा है और मुझे वन जाना होगा। और उसके बाद वे सीता के पास गए और सीता को सारी बात बताकर उनसे भी कहा कि अब वे वन जाने की तैयारी करेंगे। सीता वे लक्ष्मण भी राम के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गए और जब सीता और लक्ष्मण को पता चला तो वे भी वन में जाने के लिए उनके साथ तैयार हो गए। राजा दशरथ ने कहा कि पुत्र, मैं वचन से बंधा हूँ, कि राजा दशरथ ने राम से कहा कि पुत्र, मैं इस वचन से बंधा हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, कि तुम्हें कोई बंधन नहीं है, तुम इसे तोड़ सकते हो। तुम मुझे बंदी बनाकर राज संभालो, तुम मुझे बंदी बना लो, जेल में बंद कर दो और यहाँ का राजकाज तुम संभालो। राम ने उन्हें समझाया कि उन्हें राज्य का लोभ नहीं है, कि उन्हें कोई राज्य नहीं करना है, इसका कोई लालच नहीं है। केकई ने राम, लक्ष्मण, सीता को वल्कल वस्त्र दिए, यानी वो वस्त्र दिए जो वन में पहन के जाने के लिए गेरवे रंग के वस्त्र दिए गए। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के वस्त्र पहन लिए और महल से बाहर आ गए और उन्होंने जो राजसी वस्त्र पहने हुए थे उन्हें त्याग दिया और जो तपस्वियों के वस्त्र होते हैं उन्हें धारण कर लिया और महल से बाहर आ गए। राम, लक्ष्मण, सीता वन को जाते हुए, ये वन को जाते हुए का दृश्य दिया गया है। अब हम आएंगे अध्याय चित्रकूट में भरत। अब किस तरीके से राम वन को चले गए हैं और वहाँ पर भरत पहुँचते हैं और किस तरीके से आपस में उनकी बातचीत होती है, वो इस अध्याय में बताया गया है। जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उन दिनों भरत अपनी ननिहाल में थे और जब राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था उस समय भरत अपने ननिहाल में थे, नानी के घर पे थे। राम को पिता दशरथ द्वारा वनवास देने पर राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास को चले गए और वनवास में राम, लक्ष्मण, सीता तीनों ही वहाँ चले गए थे। राम के वनवास को जाने के बाद दशरथ ने उनके बिछोह में प्राण त्याग दिए। राम जब वनवास चले गए तो उसका दुख दशरथ नहीं सह पाए और उन्होंने अपने वहीं पर प्राण त्याग दिए। भरत को उनके ननिहाल में सूचना भिजवाई गई और उन्हें तुरंत बुलाया गया और ये जो सूचना थी, ये जो खबर थी, भरत को वहाँ पहुँचाई गई और वहाँ से उन्हें तुरंत बुलाया गया। समाचार पाकर भरत तुरंत अयोध्या की ओर चल दिए। 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचने पर, अब उन्हें पहुंचने में 8 दिन का समय लगा,
पहुंचने पर भरत को अयोध्या सुनसान नज़र आई। और जब वे वहां पहुंचे तो अयोध्या नगरी बहुत सुनसान थी। उनका मन किसी आशंका से त्रस्त हो गया और उन्हें ये आशंका थी कि कुछ ऐसा घटित हो गया है जिसकी वजह से नगरी पूरी सुनसान है या उदास है। उन्होंने राजमहल में जाकर अपने पिता को ढूंढा तो पिता नहीं मिले। और जब वे राजमहल में पहुंचे और पिता को उन्होंने ढूंढा तो वे उन्हें नहीं मिले। फिर वे अपनी माता केकई से मिले। केकई ने उन्हें सारी बात पता चली कि उनके पिता स्वर्ग सिधार गए हैं, कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। ये बात उन्हें केकई से पता चली। और बड़े भाई राम वन को चले गए हैं, यानी उनके जो बड़े भाई राम हैं वो उन्हें वनवास मिल गया है, वे वन को चले गए हैं सीता और लक्ष्मण के साथ, और उनके साथ में सीता और लक्ष्मण भी चले गए हैं। भरत को अपने पिता की मृत्यु का बड़ा दुख हुआ। भरत ने माता केकई से राम के वन जाने का कारण पूछा तो माता केकई ने सारी बात बता दी। और उन्होंने सारी बात बता दी कि क्या कारण था कि राम को वनवास दिया गया, और कहा कि मैंने महाराज दशरथ से राम के वन जाने का वरदान मांगा था ताकि तुमको राज्य की राजगद्दी मिल सके। यह सुनकर भरत माता केकई पर बहुत नाराज हुए, गुस्सा आया, क्रोध किया उन्होंने, और उन्हें काफ़ी भला बुरा कहा। फिर वे माता कौशल्या से मिले और उनसे माफ़ी मांगी। इसके बाद वे सीधे माता कौशल्या के भवन में गए और उनसे इन सभी बातों के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। सब लोगों ने उनसे राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा कि अब राजगद्दी आपकी है, आपको ही राज का काम संभालना है, और कहा कि अब आप राजगद्दी पर बैठें और राजा बने। तो भरत ने राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया और मना कर दिया कि वह राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। वह बोले कि यह राजगद्दी श्री राम की है और श्री राम के होते हुए अयोध्या पे राज्य करना उन्हें शोभा नहीं देता, कि श्री राम के होते हुए मैं यहाँ अयोध्या का राजा बनूँ ये मुझे शोभा नहीं देता, सही नहीं है। मैं श्री राम को वन से बुलाकर लाऊंगा और वही इस राजगद्दी को संभालेंगे, कि मैं उनके पास जाऊंगा और उनको वन से यहाँ बुला कर लेकर आऊँगा और वही यहाँ का राजकाज संभालेंगे। जब 14 वर्षों तक राम को जंगल में निर्वासित कर दिया गया था तब उन्होंने पहली बार लक्ष्मण और सीता के साथ जंगल में प्रवेश किया। अब पहली बार वे लक्ष्मण और सीता के साथ जंगल में गए और उन्होंने भरद्वाज मुनि से पूछा कि उन्हें कहाँ रहना चाहिए, कि वे जंगल में आए हैं और उन्हें अपना स्थान कहाँ बनाना चाहिए, ये उन्होंने भरद्वाज मुनि से पूछा। तो मुनि ने उन्हें अपने आश्रम से करीब 10 मील दूर चित्रकूट जाने की सलाह दी कि मेरे आश्रम से 10 मील दूर है, आप चित्रकूट वहाँ चले जाइए और वहीं पर अपनी कुटिया बना लीजिए। जब राम चित्रकूट आए, यहाँ राक्षसों ने इस जगह का शांतिपूर्ण माहौल ख़राब कर रखा था, और जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो राक्षस है उन्होंने वहाँ पर काफ़ी हंगामा मचा रखा था, बहुत ही अत्याचार कर रखा था, इसलिए उन्होंने यहाँ रहने के दौरान कई राक्षसों को मार डाला। भरत राम को वापस लाने के लिए अपनी सेना और राज्य के अन्य लोगों के साथ वन की ओर चल दिए। अब भरत अपनी सेना के साथ राम को वापस अपने राज्य अयोध्या लाने के लिए चल दिए और सभी लोग वहाँ पर उनसे मिलने चले गए। उस समय राम गंगा यमुना के संगम के पार चित्रकूट नामक जगह पर एक कुटी बनाकर रह रहे थे, ये दृश्य दिया गया है। भरत ने राम से भेंट की और उन्हें पिता की मृत्यु का समाचार दिया, और भरत वहाँ पहुँच गए और उन्होंने पिता की मृत्यु की सूचना दी, समाचार दिया। ये सुनकर राम सन्न रह गए, बहुत दुखी हुए।
भरत ने राम से अनुरोध किया कि वे तुरंत अयोध्या लौट चलें और राजगद्दी को संभालें, पर राम ने इनकार कर दिया और भरत ने उनसे अनुरोध किया कि वे वापस चलें अयोध्या और अपनी राजगद्दी को संभालें, अपनी प्रजा की देखभाल करें, परंतु राम ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि वे 14 वर्ष तक वन में रहकर पिता के वचन का पालन करना चाहते हैं, कि वे 14 वर्ष तक वन में रहेंगे और पिता ने जो वचन माता केकई को दिया था उसका पालन करना चाहते हैं। वे 14 वर्ष के वनवास के पश्चात ही वे अयोध्या आएंगे, कि जब 14 वर्ष बीत जाएंगे उसके पश्चात ही वे वापस अयोध्या आएंगे। भरत के जब काफ़ी आग्रह करने पर राम नहीं माने तो भरत ने उनसे उनकी खड़ाऊ यानी कि चरण पादुका ले ली। उन्होंने कहा कि इन चरण पादुकाओं को राजगद्दी पर रखकर ही श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का राज संभालेंगे और उनके लौटने का इंतजार करेंगे। बार बार कहने पर भी राम नहीं माने और उन्होंने कहा कि वह 14 वर्ष तक वनवास ही रहेंगे, तो भरत ने उनकी चरण पादुकाएं ले ली यानी कि उनकी खड़ाऊ ले ली और उसे अपने सर पर रखकर ले गए कि जब तक आप खुद नहीं आएंगे अयोध्या पर तो ये आपकी चरण पादुकाएं ही राज संभालेंगी, उनका सारा राजकाज आपको ही वहां पर देखना होगा। ये कहकर वे वहां से लौट गए। उसके पश्चात भरत अयोध्या की ओर लौट गए और उन्होंने राम की चरण पादुका को राजगद्दी पर स्थापित किया और वे वहाँ पर जो राम की चरण पादुकाएं लेकर आए थे उसे राजगद्दी पर उन्हें स्थापित कर दिया, वहीं पर उन्हें रख दिया और उनके प्रतिनिधि बनकर अयोध्या पर राज करने की प्रतिज्ञा ली कि मैं उनका एक सेवक बनकर इस अयोध्या का राजकाज चलाऊंगा जब तक राम वन से वापस नहीं आ जाते। उन्होंने राजसी जीवन त्याग दिया और उन्होंने भी अपना जो राजसी जीवन था उसे त्याग दिया और नंदीग्राम में एक कुटी बनाकर साधु की तरह रहने लगे और उन्होंने भी एक नंदीग्राम जगह पर जाकर एक कुटिया बनाई और साधु के रूप में ही वहाँ पर रहने लगे और वहीं से राजकाज की व्यवस्था चलाने लगे और वहाँ रहकर जितना भी राज का काम होता था वो वहीं से रहकर वहाँ से चलाते थे और वहीं पर वे रहने लगे। बच्चों, आपको ये पाठ अध्याय अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको जो भी प्रश्न है आप अपने डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।